इंस्टाग्राम पे तुमने आज तक बहुत तरह के कपल्स देखे होंगे, लेकिन इनके जैसा नहीं देखा होगा। स्टेप मॉम और स्टेप सन वीडियोस में अगर तुम स्टोरी ढूंढ ढूंढ के बोर हो गए तो इंस्टाग्राम इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। देवर भाभी और कजन से लेकर मॉम सन और ब्रोसिस तक, यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए तुम्हें इंस्टा पेजेस मिल जाएंगे। लेकिन फेक इंस्टेंट से किसी ने सबसे ज्यादा फेम और फॉलोअर्स कमाया है तो वो है मैंडी फ्लोरेस और रचना, और एस सी लाइक्स टू कॉल हर मॉमी रचना। तो अब तक तुम समझ ही गए होगे कि ये दोनों क्या है। नहीं, ये स्टेप मॉम और स्टेप सन नहीं है, ये एक्चुअल माँ बेटे है। ये लड़का अराउंड 16-17 साल का होगा और उस हिसाब से रचना होती है अराउंड 35-36 साल की। एंड शी लुक्स लाइक दिस, नाउ दैट्स अ मेल। रचना जी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे तो काफी साल से वीडियोस डाली है, लेकिन बेटे के साथ अभी डालना शुरू किया उसके प्यूबर्टी हिट करने के बाद। रचना जी को बेड पे जब कोई मॉमी बुलाता है तो ही मीन्स इट। रचना के बेटे का स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि बचपन से ही 11 में रह रहा है। रचना जी के घर के बाहर होम स्वीट होम नहीं, होम स्वीट अलाबामा लिखा है। रचना जी के बेटे का जब ब्रेकअप हो जाएगा तो ही विल बी एन ऑर्फन। द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग हर सन इज कि लीगल एज तक होते होते ही विल बी अ प्रो ऑन बेड। रचना जी को जब भी अपने हस्बैंड पे चीट करना होता है शी गोज टू द नेक्स्ट रूम। रचना पे जब भी उसके बेटे के दोस्त लाइन मारते हैं तो वो कहता है ब्रो वो मेरी माल है। रचना के घर पे फैमिली रियूनियन का बेस्ट पार्ट है गैंग बैंग। नो नो नो, दैट्स इट, बहुत हो गया, नो मोर इंसेस्ट जोक्स। Are you sure about that? And by the way, Rachna ji ki ek beti bhi hai, who I guess is also hitting her puberty. So, finally, uske bete ko koi virgin mili. Anyways, jokes aside, I'm sure they are a happy family. They are definitely happy in bed. अरे बस कर भाई। I need to stop. देखो offend मत होना कोई, these are just jokes and I don't mean any of it. लगता है disclaimer भी लगाना पड़ेगा अब। और she knows what she is doing. उसे पता है उसकी audience कैसी है, कौन है। तुम उसके comment आके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। लोग ऐसे ऐसे comment कर रहे होते हैं कि जैसे बहनचोद ने सच में लगता है वो reply करेगी कि oh my god ये मेरा कितना बड़ा fan है, मुझे तो इसके साथ sex कर लेना चाहिए। Bro, उसे झाट फर्क नहीं पड़ता। तो रचना का एक हस्बैंड भी है, सरप्राइजिंग राइट? या तो तुम भाई, हर वीडियो में उसे शक्ल देख के लग रहा है कि ही टू कॉल्स हर मॉमी। बाय द वे, ऐसी बीवी होने के लिए या तो ये बंदा बहुत ज्यादा लकी है या फिर ये संतूर का मालिक। रचना और उसकी ऑडियंस में एक चीज कॉमन है, डेड सेंस ऑफ ह्यूमर। रील्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुम किसी का भी ऑडियो उठा के उसके ऊपर लिप सिंक करके एक वीडियो बना के डाल सकते हो और फिर भी इसके जोक्स बेकार होते हैं। लाइक ऐसा कैसे हो सकता है कि इंस्टाग्राम का पूरा ऑडियंस कलेक्टिवली डिसाइड करता है कि नहीं मेरे को खराब ओवर यूज जोक्स ही चाहिए। ये लाइन्स इतने बेकार होते हैं ना कि द ओनली हसी दैट कम्स फ्रॉम इट इज द लाफ ट्रैक। क्या आप लोग जानते हैं लड़कियों को 20 साल का होने में 30 से 40 साल लग जाते हैं। खराब जोक्स पे और 90s के गानों पे लिपसिंग करने के अलावा रचना जी एक और चीज करती है, डांस करने की कोशिश। भाई इसके वीडियोस देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ये पूरे परिवार में ये औरत सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। एंड बाय टैलेंट आई मीन लिपसिंकिंग। इसने अमित भदाना, एडी नागर, लकी डांसर इन सब के साथ भी कुछ कर रखा है लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए इन दी एंड ये मॉम सन के नाम पे क्लाउड ले रही है। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। हाँ मुझे बहुत मारती है। एनीवेज अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेरा ये वीडियो इसी तरह के वियर्ड इंस्टाग्राम कैप्शंस के ऊपर है, उसे एक बार चेकआउट कर लो। और अभी तक अगर नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो।